हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस एक क्वेश्चन के माध्यम से जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन बना था कि बीएस गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या को कितने प्रजातीय समूहों से बनी है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आज की इस वीडियो में प्रजाति और प्रजातिवाद ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। एएमपी सेट में भी बना था, नेट में भी बनता है और पीजीटी जीआईसी हर मतलब जितने भी समाजशास्त्र के एग्ज़ाम होते हैं तो प्रजातियों से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर होगा 6 प्रजातीय समूहों से बनी है बीएस गुहा के अनुसार। अब आगे हम देखते हैं प्रजाति के बारे में कि प्रजाति किसे कहते हैं। तो रेस, प्रजाति या नस्ल, प्रजाति प्राण शास्त्रीय आधार पर बना व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ सामान्य शारीरिक लक्षण तथा अनुवांशिक गुण होते हैं। क्या होते हैं कि जिसमें सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं तथा अनुवांशिक गुण होते हैं प्रजाति में, और यह प्राण शास्त्रीय आधार पर बना होता है। यह लक्षण एक समूह में दीर्घकाल तक विवाह संबंध करने तथा प्रजनन द्वारा नियमित रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण की प्रक्रिया द्वारा बने रहते हैं। जो प्रजातियों के लक्षण होते हैं वो काफ़ी दीर्घ समय तक बने रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं। प्रजाति का अर्थ शारीरिक लक्षण से लगाया जाता है। प्रजाति का श्रेष्ठता व हीनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रजाति जैसे जातियों में होता है कि कोई बड़ी जाति है छोटी जात है, तो ऐसा इसमें प्रजाति में कोई ये नहीं होता है कि श्रेष्ठता या हीनता, बल्कि इसका जो लक्षण है वो शारीरिक लक्षण से लगाया जाता है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं, और एक परिभाषा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना मतलब कई बार क्वेश्चन में बना है, एक जूलियन हैक्सले महोदय हैं। जूलियन हैक्सले यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, जूलियन हैक्सले महोदय व हेडन, तो ये जो है ये प्रजाति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रजाति के स्थान पर यह निर्वंशीय समूह या समशारीरिक लक्षण वाले समूह के प्रयोग का सुझाव देते हैं। तो जूलियन हैक्सले, तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि किसने प्रजाति के स्थान पर निर्वंशीय समूह के प्रयोग का सुझाव दिया है, तो जूलियन हैक्सले एवं हेडन महोदय। अब आगे हम ग्रीन की परिभाषा देखते हैं कि प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह है। ग्रीन के अनुसार प्रजाति एक बृहद जैविकीय मानव समूह, ये भी कई बार क्वेश्चन में बना है। डीएन मजुमदार प्रजाति की परिभाषा क्या देते हैं, तो ये कहते हैं कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो चाहे उस जैविकीय समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों ना हो एक प्रजाति है। तो ये परिभाषा डीएन मजुमदार की है। हावेल क्या परिभाषा देते हैं, प्रजाति को एक विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों के एक बृहद समूह से है। हावेल के अनुसार प्रजाति को एक विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों के एक बृहद समूह से है। तो यह हावल की परिभाषा है। ये सारी परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बने हैं। आप लोग देखिएगा कि इनसे क्वेश्चन घूम फिर के बने हुए हैं। बीसेंज के अनुसार तो अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाने जा सकने वाले विशाल व्यक्तियों के समूह को प्रजाति कहते हैं। तो ये परिभाषा बीसेंज की है। अब हम देख लेते हैं कि प्रजाति निर्धारण के आधार, तो प्रजाति निर्धारण के दो आधार हैं, एक निश्चित शारीरिक लक्षण और दूसरा होगा अनिश्चित शारीरिक लक्षण।
तो पहले हम निश्चित शारीरिक लक्षण को देख लेते हैं कि कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण जिस पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो हमारी जलवायु है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है। इसके अंतर्गत निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे सर की बनावट, खोपड़ी का घनत्व, तो नाक की बनावट, रक्त समूह और कद। तो ये सब निश्चित शारीरिक लक्षण वाले हैं, इनमें भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है। तो ये सब शरीर, सर की बनावट, खोपड़ी का घनत्व, तो नाक की बनावट, रक्त समूह, कद। जैसे कहीं कद मतलब हम लोग देखते हैं ना, किसी किसी देश के लोगों की हाइट, जैसे चाइना के लोगों की या जापान के लोगों की हाइट कम होती है, तो कद ये उनके निश्चित शारीरिक लक्षण है, मतलब उनका फिक्स है, वैसे ही उनकी जनरेशन होती रहती है। सर की बनावट, सर की बनावट हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नार्डिक, एक नार्डिक जनजाति है, ट्राइब है, तो वहाँ उन लोगों का सर जो है उनका बड़ा होता है। खोपड़ी का घनत्व, नाक की बनावट, कहीं 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 की प्रजातियों के, मतलब कहीं कहीं लोगों के नाक चिपटे होते हैं, तो ऐसे मतलब ये सब निश्चित शारीरिक लक्षण हैं जिस पर कि भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखेंगे हम अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह, अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह। तो जिन पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है उसे अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह कहते हैं, मतलब ये जो है ये लक्षण, ये शारीरिक लक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे त्वचा का रंग, केश रचना, शरीर पर बालों की मात्रा, आँखों की बनावट और होंठ। तो ये जो है ये अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह हैं। क्यों अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह हैं? क्योंकि इन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, कि जैसे पर्यावरण का प्रभाव, जैसे कि अभी देखेंगे ठंडे प्रदेशों के लोग काफ़ी गोरे होते हैं, उनका रंग गोरा होता है, गर्म प्रदेशों के लोग के मतलब कलर जो है वो काली होती है। तो इस तरीके से कि पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है जहाँ पर, तो उसको अनिश्चित शारीरिक लक्षण वाले समूह कहते हैं। तो प्रजातियों का वर्गीकरण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है। तो प्रजातियों के वर्गीकरण, एक कोल महोदय हैं, इन्होंने रंगों के आधार पर तीन प्रजाति समूह का उल्लेख किया। कोल ने रंगों के आधार पर तीन प्रजाति समूह का उल्लेख किया है, काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइक। काकेसाइड को ये श्वेत प्रजाति कहते हैं, मंगोलाइड को पीत मतलब पीली प्रजाति, और निग्रोइक को श्याम या काली प्रजाति कहते हैं। तो कोल ने रंगों के आधार पर, कोल रंग यानी कि कलर, कोल से कलर को हम ट्रिक बना लेते हैं, यानी कि कलर के आधार पर, कोल ने कलर के आधार पर तीन वर्गीकरण किया है, काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइक। आर्थर क्रीथ ने त्वचा के रंग के आधार पर, ये जो आर्थर कीथ महोदय हैं, इन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर चार प्रकार की प्रजाति बताते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर ये चार प्रकार की प्रजाति बताते हैं, एक श्वेत बताते हैं, दूसरा काली बताते हैं, तीसरा पीली बताते हैं और चौथा भूरी बताते हैं। तो आर्थर कीथ जो है वो त्वचा के रंग के आधार पर बताते हैं। अभी हमने कोल को देखा कि रंगों के आधार पर बताते हैं, और ये त्वचा के रंग के आधार पर चार प्रकार की प्रजाति बताते हैं। डार्कवर्थ ने प्रजातियों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया है, कितने आधार पर? तीन आधार पर। तो कापालिक परिमित के आधार पर, जबड़ों के उभार के आधार पर, और कापालिक घनत्व के आधार पर। कापालिक मतलब जो शरीर होता, जो सर होता है, तो उसकी परिमित के आधार पर, और जबड़ों यानी जबड़ों के उभार के आधार पर वर्गीकरण बताते हैं, और कापालिक घनत्व मतलब जो सर होता है उसका डेंसिटी या घनत्व के आधार पर। ये डार्कवर्थ ने प्रजातियों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया है। हर्बर्ट रिजले के अनुसार, इनका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर्बर्ट रिजले ने कितने प्रकार की प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, या रिजले ने प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है, तो ये सब इनसे क्वेश्चन बनते हैं।
और किसने जातियों का अध्ययन प्रजातियों के आधार पर किया है, तो ये भी रिजले से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने 7 भागों में बांटा है, तो ये 3 मूल प्रजाति बताते हैं। 3 7 भागों में जैसा बांटा है, तो 3 ये मूल प्रजाति बताते हैं और 4 प्रजाति मिश्रित बताते हैं, कि मतलब जो 3 हैं, 3 प्रजातियां जो हैं वो मूल प्रजाति हैं और 4 प्रजातियां जो हैं वो मिश्रित प्रजाति हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बताते हैं रिजले भारत की मूल प्रजाति किसे मानते हैं, तो रिजले द्रविड़ को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की मूल प्रजाति रिजले ने किसको माना है, तो द्रविड़ को माना है, यानी कि भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ को रिजले ने माना है, द्रविड़ को। और ये जो मूल प्रजाति 3 बताते हैं, तो मूल प्रजाति के अंतर्गत 3 मूल प्रजाति बताते हैं, कि मतलब इन्होंने समस्त विश्व की प्रजातियों का 7 भागों में बांटा है, तो जिसमें इन्होंने 3 मूल प्रजाति बताया और 4 मिश्रित प्रजाति बताया। लेकिन ये भारत की है, ये भारत के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ को माना है रिजले ने। लेकिन जो ये ऑल ओवर 3 प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं मूल प्रजातियों में, तो द्रविड़, मंगोल, इंडो आयरन को बताते हैं। और ये जो मिश्रित प्रजाति है, इसके अंतर्गत ये मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़, तुर्की ईरानी, तो ये मिश्रित प्रजाति बताते हैं। जैसा कि इसमें डबल डबल है भी, मिश्रित है, मंगोल द्रविड़ का मिश्रण है, सीथो द्रविड़ का मिश्रण है, आर्य द्रविड़, तुर्की ईरानी, तो ये मिश्रित प्रजाति है। और ये द्रविड़, मंगोल और इंडो आयरन ये मूल प्रजाति है, और भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ को बताते हैं रिजले। अच्छा, BS गुहा के अनुसार, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन ही देखा है कि RPSC में बना ही था, और इनसे तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ये तो एकदम फेमस है। तो BS गुहा के अनुसार भारत की मूल प्रजाति निग्रीटो है। जैसा कि रिजले को हमने देखा कि इन्होंने भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ को बताया है, तो BS गुहा जो है भारत की मूल प्रजाति किसको बताते हैं, तो निग्रीटो को बताते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ये संपूर्ण भारत की 6 प्रजाति समूहों को मानते हैं, भारत में ये बताते हैं कि 6 प्रजाति समूह पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला निग्रीटो बताते हैं, दूसरा मंगोलॉयड बताते हैं, तीसरा ऑस्ट्रेलॉयड बताते हैं, चौथा भूमध्य सागरीय बताते हैं, पांचवा अल्पाइन और छठा नार्डिक। अब हट्टन महोदय, J.H. हट्टन महोदय, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो J.H. हट्टन महोदय भारत की मूल प्रजाति निग्रीटो को मानते हैं। अभी हमने देखा कि BS गुहा भारत की मूल प्रजाति निग्रीटो को मानते हैं, रिजले द्रविड़ को मानते हैं, और हट्टन भी भारत की मूल प्रजाति निग्रीटो को ही मानते हैं, और 6 प्रजाति समूह का ये भी उल्लेख करते हैं। BS गुहा ने 6 प्रजाति समूहों का उल्लेख किया है, तो ये भी हट्टन भी 6 प्रजाति समूहों का उल्लेख करते हैं। तो कौन कौन से 6 प्रजाति समूह बताते हैं, निग्रीटो बताते हैं, मंगोलॉयड बताते हैं, ऑस्ट्रेलॉयड बताते हैं, भूमध्य सागरीय बताते हैं, अल्पाइन बताते हैं और तुर्की ईरानी बताते हैं। तो ये 6 प्रजाति समूहों का वर्गीकरण J.H. हट्टन करते हैं। अगला है G.S. घुरिया महोदय, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जाति और प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए, जैसा कि इनकी एक पुस्तक ही है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कि भारत में जाति और प्रजाति, तो इन्होंने प्रजाति में आंतरिक संबंध मानते हुए हिंदू जनसंख्या को उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर 6 वर्गों में ये विभक्त करते हैं। तो कौन कौन से 6 वर्ग में बांटते हैं ये, इंडो आयन, पूर्व द्रविड़, द्रविड़, पश्चिमी, मुंडा और मंगोलियन। तो ये 6 वर्गीकरण G.S. घुरिया के अनुसार बताए गए हैं। D.N. मजुमदार, इनसे भी क्वेश्चन बनता है इनको, तो ये D.N. मजुमदार इंडो ऑस्ट्रोलॉयड को भारत की मूल प्रजाति मानते हैं। जैसा कि हमने देखा अभी, रिजले भारत की मूल प्रजाति द्रविड़ को मानते हैं, हट्टन निग्रीटो को मानते हैं, BS गुहा निग्रीटो को मानते हैं, पर D.N. मजुमदार ये भारत की मूल प्रजाति को इंडो ऑस्ट्रोलॉयड को ये भारत की मूल प्रजाति मानते हैं, D.N. मजुमदार। कुछ क्वेश्चन बनते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम देख लेते हैं कि प्रजाति निर्धारण के लिए कितने शारीरिक लक्षणों का उपयोग किया जाता है। जो प्रजाति का निर्धारण जब किया जाता है, तो लगभग कितने शारीरिक लक्षणों का उपयोग किया जाता है, तो 31।
और एक क्वेश्चन यह है कि भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। तो भारत को प्रजातियों का अजायब घर मजूमदार ने कहा। एक क्वेश्चन यह है कि आज भी प्रजाति हमें पूर्णतया भ्रम में डालती है, तो ये किसने कहा है? ये मैरिट ने कहा है। और ये क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजाति कौन सी है? तो मंगोलाइड। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज रेस बुक, ये किसकी बुक है? तो बिल्स एवं हाइजर की पुस्तक है। और किसने प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है? तो वालेन विलियर्स। ये क्वेश्चन है कि किसने प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है? तो वालेन विलियर्स। और ये है कि ये क्वेश्चन बनता है कि त्वचा का रंग प्रजाति वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण है, यह मान्यता किस समाजशास्त्री का है? त्वचा का रंग प्रजाति वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण है, तो यह मान्यता किस समाजशास्त्री का है? तो ये क्रोबर महोदय का है। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया? सर्वप्रथम प्रजातियों का वर्गीकरण किसने किया? तो ब्लू मैन वाक ने किया। किसने किया? ब्लू मैन वाक ने किया। और ये सर्वप्रथम प्रजाति शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ प्रजातियों का वर्गीकरण तो सर्वप्रथम ब्लू मैन वाक ने किया, लेकिन सर्वप्रथम प्रजाति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बुफेन ने किया। किसने किया? बुफेन ने किया। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि चार संदेहास्पद प्रजाति बेड्डा एनू ऑस्ट्रेलाइड और पॉलिनेशियन किसने बताए हैं? ये संदेहास्पद प्रजाति चार, तो ये वर्गीकरण किसने किया? बेड्डा एनू ऑस्ट्रेलाइड और पॉलिनेशियन, तो क्रोबर महोदय ने बताया। और भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं प्रजातियों से, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रजातियों का एक अब बनता है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि भारत प्रजातियों का द्रावण पात्र या मेल्टिंग पॉट, तो ये भी मजुमदार ने बताया है। और J.H. हट्टन तो बताते हैं कि भारतवर्ष की प्रजाति प्राचीनतम प्रजाति कौन है? तो ये निग्रेटो है। क्वेश्चन बनता है कि प्रजाति बृहद जैविकीय मानव समूह है, यह परिभाषा किसकी है? प्रजाति बृहद मानवीय जैविकीय मानव समूह है, तो ये परिभाषा अर्नाल्ड ग्रीन की है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रजाति केंद्रवाद यानी कि एथनोसेंट्रिज्म, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एथनोसेंट्रिज्म यानी प्रजाति केंद्रवाद शब्द किसने संविष्ट किया सबसे पहले? तो W.G. समनर ने किया था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन ये बनता है रिजले से कि रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधी बना है कई बार क्वेश्चन कि रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वर्गीकरण नहीं किया है? जैसा कि हमने बताया 7 प्रजाति इनकी, 4 मूल 4 मिश्रित प्रजाति बताए हैं और 3 मूल प्रजाति बताए हैं रिजले महोदय। तो उसमें से इनका दिए रहता है कि इंडो आयर्न, आर्य द्रविड़ियन, इंडो भूमध्य रेखीय और मंगोलाइड। तो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन बना है। तो इंडो भूमध्य रेखीय की बात ये नहीं करते हैं, बाकी इंडो आयर्न, आर्य द्रविड़ियन और मंगोलाइड ये बात करते हैं। और ये हक्सले का हमने शुरू में बताया था कि प्रजाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया, यानी कि प्रजाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो ये जूलियन हक्सले महोदय देते हैं।